हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है और हम एलिना को बाथरूम में नहाते देखते हैं, जो कि हाइमन की वाइफ है। एलिना अपने हस्बैंड के पास आती है और पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है, मैं मैरिज पार्टी में जा रहा हूँ। एलिना कहती है, मैं फ्रेश होकर आई हूँ तुम्हारे लिए और तुम जा रहे हो? हाइमन बोलता है, जाना ज़रूरी है, और वहाँ से चला जाता है। एलिना सोचती है, आज कियान भी नहीं है जिसके साथ मैं मस्ती करूँ। असल में कियान एलिना का देवर है, जो कि बाहर किसी काम से गया था और उसकी वाइफ केमी भाई के यहाँ गई हुई। कियान और एलिना का अफेयर चल रहा है। अब एलिना अकेले बोर हो रही थी तो खुद को शांत करने की कोशिश करती है। अब कियान घर में दबे पांव अंदर आता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद एलिना पानी पीने नीचे आती है और कियान का सूझ देख समझ जाती है कि कियान आ चुका है, पर कियान रूम लॉक करके सो गया था। अब वह डोर की की लेकर आती है और रूम में चली जाती है। अब वह कियान के साथ नींद में ही टपाटप करने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर कियान, एलिना और रेमी बैठी होती हैं। एलिना केमी का हाल पूछती है और कहती है, जाओ रेस्ट कर लो, और सोचती है, मेरा पत्ता कट गया। अब कियान रेमी को रूम में लाकर पूछता है, तुम बिना बताए क्यों आ गई? मैं तुम्हें लेने आता। रेमी कहती है, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए आ गई। रेमी फ्रेश होने चली जाती है। इधर हाइमन सोकर उठता है और बाथरूम की तरफ जाता है और रेमी को नहाते देख वहाँ से चला जाता है। तभी बाथरूम के पास एलिना आती है और रेमी को बोलती है, तुम दरवाज़ा ओपन करके क्यों नहा रही हो? बंद करो इसे। रेमी कहती है, सॉरी मैं भूल गई थी। अब एलिना हाइमन के रूम में जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। हाइमन बैठा होता है और वहाँ पर रेमी और कियान आते हैं। हाइमन पूछता है, रेमी कब आई तू? रेमी कहती है, मॉर्निंग में। अब हाइमन रेमी और कियान को आराम करने को बोलता है। अब रेमी और कियान रूम में एक दूसरे को किस करते हैं और फिजिकल होते हैं, और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी की स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।